हेलो एवरीबॉडी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो हम प्रोकैरियोटिक सेल डिस्कस कर रहे थे। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमने लास्ट क्लास में इंक्लूजन बॉडीज तक का पार्ट कवर कर लिया था, और उसके बाद न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड, तो ये पार्ट हमने कवर कर लिए थे। तो आज हम सेल अपेंडेजेज की, सेल के ऊपर और कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जो बैक्टीरिया की मूवमेंट में, अटैचमेंट में या फिर कॉन्जुगेशन के अंदर हेल्प करती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सेल अपेंडेजेस। तो बेसिकली तीन टाइप के सेल अपेंडेजेस बैक्टीरिया की सेल के ऊपर पाए जाते हैं। पहला होता है फ्लैजेला, जिनका प्राइमरी फंक्शन होता है मूवमेंट। उसके बाद पिलाई, पिलाई और फिमरी वैसे सेम ही होते हैं, ये पिलाई के ही दो वेरियंट होते हैं। तो पिलाई का काम होता है कॉन्जुगेशन के टाइम कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन, और फिमरी का काम होता है अटैचमेंट। सो हम सबसे पहले फ्लैजेला देख लेते हैं। तो फ्लैजेला मोटाइल बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो कि मूव कर सकते हैं, डिस्प्लेस हो सकते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को मोटाइल बैक्टीरिया बोलते हैं, और इनके अंदर फ्लैजेला देखने को मिलते हैं। तो फ्लैजेला क्या होता है, विप लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो वी प्लाई का मतलब ये कि जैसे ये कोई बैक्टीरियम है, और इसके अंदर जैसे चाबुक जैसे होता है उस प्रकार की संरचना होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजेलम। फ्लैजेलम फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर का होता है, ये बना होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। यहाँ पे 9+2 अरेंजमेंट नहीं होता है। तो यूकेरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है कि बाहर की साइड 9 फिलामेंट होते हैं, और सेंटर के अंदर कितने फिलामेंट होते हैं, 2 फिलामेंट होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 9+2 अरेंजमेंट, 9+2 अरेंजमेंट। तो ऐसा अरेंजमेंट प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला के अंदर देखने को नहीं मिलता है। फ्लैजेला कहाँ से निकलता है, फ्लैजेला निकलता है बेसल बॉडी से, बेसल बॉडी या बेसल ग्रेन्यूल से, जो कि सेल मेम्ब्रेन के नीचे स्थित होता है। तो सबसे पहले हम फ्लैजेला के बेसिस पे बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्लैजेला के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर पहले फ्लैजेला होते हैं मोनोट्राइकस। तो मोनोट्राइकस के अंदर बैक्टीरियम की सेल के ऊपर केवल एक फ्लैजेलम होता है, तो एक साइड में एक फ्लैजेलम होगा, इसको पोलर फ्लैजेलम भी बोलते हैं, और मोनोट्राइकस को पोलर कंडीशन भी कहा जाता है। दूसरा है लोफोट्राइकस। तो लोफोट्राइकस में क्या होता है कि बॉडी की एक साइड, सेल की एक साइड या दोनों साइड एक टफ्ट होता है, फ्लैजेला का एक टफ्ट होता है या फिर एक गुच्छा होता है, या तो एक साइड होता है या फिर दोनों साइड होता है। उसके बाद अगला है पेरिट्राइकस। तो पेरिट्राइकस में क्या होता है कि फ्लैजेला बॉडी के चारों तरफ प्रेजेंट होता है, फ्लैजेला बॉडी के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस में सेल के दोनों साइड से एक एक फ्लैजेलम निकलता है, वन ऑन आइदर साइड, तो इसको हम बोलते हैं एम्फीट्राइकस। तो इस प्रकार से फ्लैजेला के बेसिस पे हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला, फ्लैजेला के तीन बेसिक पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है बेसल बॉडी, जो कि मोटर की तरह काम करता है, मतलब फ्लैजेला को मूवमेंट करने का जो काम होता है वो बेसल बॉडी के द्वारा किया जाता है। इसके अंदर कुछ ऐसी प्रोटीन्स पाई जाती है जो इसको मूव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। उसके दूसरा जो पार्ट है वो हुक, हुक एक फ्लेक्सिबल जॉइंट होता है, यह है बेसल बॉडी। और तीसरा जो पार्ट है फ्लैजेलम, फिलामेंट शाफ्ट, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो बेसल बॉडी मोटर की तरह काम करता है, हुक फिलामेंट या शाफ्ट को बेसल बॉडी से जोड़ने का काम करता है, और फ्लैजेलम जो होता है वो विप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसकी वजह से बैक्टीरिया मूव करते हैं। तो हम बैक्टीरिया की, फ्लैजेलम की डिटेल में स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी जो होती है लाइपोपॉलीसेकेराइड मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन तक फैली होती है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का फ्लैजेलम देख रहे हैं। तो फ्लैजेलम का सबसे पहला पार्ट है बेसल बॉडी। तो ये हो गया आपका बेसल बॉडी। बेसल बॉडी लाइपोपॉलीसेकेराइड मतलब आउटर मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन तक फैली होती है, और ये क्या होती है, मोटर का काम करती है, इसकी वजह से ही फ्लैजेलम मूव करता है। तो इसके अंदर दो रिंग पाई जाती है, फर्स्ट सेकंड, और फिर से इनके फर्दर क्या होते हैं, इनके अंदर दो दो रिंग्स और पाई जाती हैं। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं भार वाली रिंग की। तो इसके अंदर दो रिंग होती है, एक एल रिंग और दूसरी
पी रिंग। तो एल रिंग जो होती है, एल फॉर लाइपोपोलीसेकेराइड, तो लाइपोपोलीसेकेराइड मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है। पी फॉर पेप्टिडोग्लाइकन, तो ये पेप्टिडोग्लाइकन सीट के अंदर पाई जाती है। उसके बाद दो जो रिंग बचती है वो कौन सी है, एक एस रिंग और दूसरी एम रिंग। तो एम जो है, एम वाली रिंग कहाँ पाई जाती है, मेम्ब्रेन रिंग बोलते हैं इसको। तो ये वाली जो है ये एम रिंग है, ये कहाँ पे पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है, मेम्ब्रेन रिंग। और उसके बाद एस जो रिंग है, एस रिंग, एस फॉर सुपर मेम्ब्रेन, एस फॉर सुपर मेम्ब्रेन, तो ये मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर ये पाई जाती है। तो इस प्रकार चार रिंग हो गई, एल रिंग, पी रिंग, एस रिंग और एम रिंग। तो यहाँ पे स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स पाई जाती है बेसल बॉडी के अंदर, होता है एमओटी प्रोटीन्स। तो एमओटी प्रोटीन्स क्या करती है, ये फ्लैजेलम की रोटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, जिसकी वजह से फ्लैजेलम मूव करता है। उसके दूसरी जो प्रोटीन्स है वो होती है एफ एल आई प्रोटीन्स या मोटर स्विच। तो मोटर स्विच क्या करते हैं कि इंट्रा सेलुलर सिग्नल के अकॉर्डिंग तो ये रोटेशन की डायरेक्शन को चेंज करता है। तो ये काम किया जाता है फ्लाई प्रोटीन्स, एफ एल आई प्रोटीन, जिसको हम मोटर स्विच भी बोलते हैं, मतलब ये रोटेशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो इस प्रकार बेसल बॉडी के अंदर चार रिंग होती है, एल रिंग, पी रिंग, एस रिंग और एम रिंग। मोटर प्रोटीन इसके रोटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है और फ्लाई प्रोटीन मोटर स्विच रोटेशन को उल्टा करने के लिए, इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, जो होता है इन रेस्पॉन्स टू इंट्रा सेलुलर सिग्नल। उसके बाद अगली जो स्ट्रक्चर है वो होती है हुक। तो यहाँ पे जो हुक वाली स्ट्रक्चर होती है यह साफ्ट और बेसल बॉडी के बीच में प्रेजेंट होती है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इसकी लंबाई ग्राम पॉजिटिव की तुलना में थोड़ी सी कम होती है, और इसमें भी कई प्रकार के प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद अगला जो पार्ट है वो है फिलामेंट, फिलामेंट या इसका दूसरा नाम क्या होता है, साफ्ट, फिलामेंट या साफ्ट। तो यह वो भाग है जो बाहर निकला रहता है, जो प्रोजेक्टेड होता है बाहर की साइड, और यह फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। फ्लैजेलिन प्रोटीन की जो स्फेरिकल यूनिट्स होता है उनका ये बना होता है। इसकी लेंथ लगभग 3 से 20 माइक्रोमीटर होती है और इसका डायमीटर लगभग 0.01 से 0.13 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। तो इस प्रकार तीन पार्ट हमने डिस्कस कर लिए, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। नेक्स्ट पार्ट है सेलुलर अपेंडेजेस के अंदर पिलाई एंड फिम्ब्री। तो पिलाई और फिम्ब्री क्या होते हैं, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन। इनमें से कुछ छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं, तो इनको हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। एक्चुअल में ये फिम्ब्री जो है पिलाई का ही एक टाइप होता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन से निकलने वाले प्रोजेक्शंस होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, पाइलिन प्रोटीन के ये बने होते हैं, और ये दो टाइप के होते हैं। तो पहले होते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं, जिनको हम सेक्स पिलाई बोलते हैं या कॉन्जुगेशन या एफ पिलाई भी बोलते हैं, और दूसरे छोटे पिलाई होते हैं जिनको कॉमन पिलाई या फिम्ब्री कहा जाता है। तो जो सेक्स पिलाई या कॉन्जुगेशन पिलाई, ये क्या करता है, ये कॉन्जुगेशन के समय कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। तो कॉन्जुगेशन क्या होता है, एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम के अंदर जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र। तो जो डोनर की तरह काम करता है उसको एफ प्लस बोलते हैं। इसके और भी वेरिएंट्स होते हैं जैसे कि एचएफआर, तो यहाँ पे हम एक बार एग्जांपल के तौर पे एफ प्लस ले रहे हैं। तो एफ प्लस से एफ माइनस के अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र। तो दो टाइप के बैक्टीरियम, दो टाइप के स्ट्रेन, एफ प्लस और एफ माइनस। F प्लस स्ट्रेन डोनर की तरह काम करता है और F माइनस स्ट्रेन रेसिपिएंट की तरह काम करता है, ग्राही की तरह काम करता है। तो सेक्स पिलाई क्या करते हैं, सेक्स पिलाई कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब के बिना कॉन्जुगेशन की प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो सेक्स पिलाई का काम हो गया कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से ये कॉन्जुगेशन में सहायक होते हैं। कॉमन पिलाई फिम्ब्री, तो फिम्ब्री क्या करते हैं, फिम्ब्री अटैचमेंट का काम करते हैं। तो अटैचमेंट जो होता है किसी भी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के लिए पहला स्टेप होता है। तो बिना अटैचमेंट के लिए इन्फेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो इनका इन्फेक्शन पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ फिम्ब्री या फिर कॉमन पिलाई। तो इस प्रकार सेलुलर अपेंडेजेस के अंदर तीन अपेंडेजेस हमने देखे, पहला अपेंडेजेस फ्लैजेला, दूसरा पिलाई और तीसरा फिम्ब्री। तो यहाँ पे अपना प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर ओवर हो जाता है। थैंक यू सो मच।